हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये देखिए, हम लोग जा रहे हैं मॉल के लिए। हम लोग का प्लान बना था कि चलते हैं वी मेगा मार्ट में घूमते हैं। ये हम लोग आ गए हैं वी मेगा मार्ट में बनारस के। काफ़ी बड़ा मॉल है, डिस्काउंट्स काफ़ी अच्छे चल रहे थे और यहाँ पे ट्रायल किया जा रहा है। मेरी सिस्टर और मेरी बेटी अपना कपड़े ट्रायल कर रही थी, गाउन ले रही थी वो लोग। उन लोग की फिटिंग का नहीं था, थोड़ा छोटा था, एक नंबर साइज तो नहीं लिया। ये मॉल में दिखा रही हूँ, ये मेरी सिस्टर दिखा रही कि बड़ा वाला, और मेरी बेटी जो है वो छोटा शॉर्ट्स लेना चाहती थी। किसी में उन लोगों का बहस हो रहा था और उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग की, और शॉपिंग करने के बाद हम लोग मिर्ज़ापुर आ गए थे वहीं से। और ये दूसरे दिन का है वीडियो। मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि गंगा दशहरा था और बनाना था चने की दाल की पूड़ी सब्जी वगैरह। आज मैंने बनाई है आलू परवल की सब्जी और ये चना का दाल का पीठी बनाए हैं। इसका बन रहा है पराठे, ये देखिए ये पराठे। लेकिन मेरी बेटी रेडी है खाने के लिए, इसको भूख लग गया है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, अब मैं बना लेती हूँ। देखिए कितना सब्जी लेगी, देखते रहिएगा। देखिए बस हो गई इसकी सब्जी, ऑयली सब्जी इसको नहीं चाहती है। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे पराठे बन चले हैं। अब ये कुछ बचे हुए हैं, बस इसको बनाएंगे उसके बाद फिर आइए। देखिए हाँ, ये मैं दिखाना भूल गई थी आप लोगों को, एक मिनट। देखिए ये मैंने खीर बना रही हूँ, एक गुड़ वाली खीर। तो क्या है ना, अभी दूध आया नहीं, मैं दूध का वेट कर रही हूँ। चावल को मैंने गुड़ के पानी में पका लिया है, अब दूध आएगा, दूध पका के फिर इसके अंदर डाल के इसको भी पका देंगे, मेरी बकरी तैयार हो जाएगी। और इसको गुड़ वाली खीर भी कहते हैं, हम लोग बकीर कहते हैं, कई जगह गुड़ वाली खीर कही जाती है। और देखिए बनारस में बहुत सामान लाई हूँ मैं आप लोग को। अच्छा मैं पर्सनल वीडियो बना के दिखाऊंगी अलग से, मैं क्या क्या लाई हूँ बनारस से आप लोग के लिए ना, सॉरी अपने लिए। और ये देखिए मेरी चने की दाल की पूड़ियाँ बन रही हैं, एकदम लाल लाल और फुली फुली फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मैं घर पे थी बनारस तो मेरी मम्मी बोली थी कि जाओ, परसों है गंगा दशहरा है, उस दिन चने की दाल का पूड़ी सब्जी और बखीर बनाना। तो मुझे याद था, मैंने बना लिया। और ये मेरी सब्जी और सब पूड़ी है, देख लीजिए बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनी है, आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर से। देख रहे पूरी एकदम फिलिंग भरी हुई है इसमें। और ये मेरी गुड़ की खीर है, इसमें मैंने दूध आया था बाद में, तो उसको उबाल के अच्छे से खूब पका के इसमें मैंने मिला दिया है। और खाते समय इसमें ऊपर से मलाई डाल दी जाएगी, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है खाने में। हम लोग इसको बखीर बोलते हैं, बहुत जगह गुड़ की खीर कहते हैं इसको। और गंगा दशहरा पे खास करके बनता है, बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए हर संडे को, बल्कि खाना चाहिए। और रात को गए थे, लाइट कटा हुआ था तो बगल में आई थी बारात और वहाँ पे काफ़ी लाइट के पटाखे छोड़े जा रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। और मॉल में से, बनारस के वी मार्ट मॉल में से हम लोग देखिए लाए हैं, ये टी शर्ट लाई है मेरी बेटी अपने लिए, दो टी शर्ट ली है रोज़ के पहनने के लिए, गर्मी में हल्के हल्के टी शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स भी पहनेगी, स्कर्ट है शॉर्ट है उस पर टी शर्ट्स पहनेगी वो। अच्छे थे, काफ़ी सस्ते कपड़े मिल रहे थे, डिस्काउंट्स थे अच्छे खासे। और ये कुर्ती मैंने एक ली थी, बड़ी साइज है, चाहे मैं पहनूँ चाहे मेरी बेटी पहने, दोनों में से कोई भी पहन सकता है। मैं पहनूँगी तो रात को ही पहनूँगी, दिन में तो मैं साड़ी पहनती हूँ, रात को ही मुझे पहनना है। और ये ऑनलाइन इसने मंगवाया है फ्रॉक, और ये है ऑनलाइन मंगाया है इसने फ्रॉक, काफ़ी अच्छा है, पहनने पे इसका लुक पता चलेगा इस वजह से, अच्छा से इसका मैं दिखा नहीं पा रही थी, सॉरी। और फिर इसके बाद मैंने और मैं लेके आई थी वहाँ से कढ़ाई, ये स्टील की कढ़ाई मैंने ली है, मेरा बहुत मन था काफ़ी दिन से स्टील की कढ़ाई लेने का, तो मैंने सोचा मैं ले ही लेती हूँ। स्टील की कढ़ाई मैंने ली है, काफ़ी हैवी है। और उसके बाद ये कैसरोल लिया है, कैसरोल मैं ले नहीं रही थी क्योंकि मेरे घर में और लोगों के पास था तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन इसको मैंने देखा तो इसका डिजाइन और कलर मुझे बहुत सुंदर लगा, मैंने झट से ले लिया इसको। इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी था,
169 का इस पर ऑफ था, मैंने ले लिया। और ये 6 का पैक, मैंने छोटे डब्बे हैं मसाले वगैरह रखने के लिए, 6 का पैक है वो मैंने लिया है। और यहाँ आके मैं बाद में पछताने लगी कि मुझे 6 नहीं, मुझे बल्कि 3 पैक पूरा ले लेना चाहिए था, थोड़ा सा लूँगी, 3 पैक ले लेना चाहिए था मुझे, इतना नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि 6 में कुछ हो ही नहीं पाएगा। पूरा 3 पैक रहता, 18 रहता तो उसमें सारे में मसाले रख पाती आराम से। देखेंगे मिर्जापुर के मॉल में, देखेंगे मिल जाएगा तो ले लेंगे।